सिंह भी अंदर मौजूद है। क्राइम इंस्पेक्टर, मैं समझता हूँ कि अगर संदीप सिंह भी अंदर मौजूद है तो इससे आप इन्वेस्टिगेशन और सरकार की कारगुजारी अपना समझ सकते हैं कि जो एक्यूज है वो अंदर है और वो विक्टिम को किस बिहाफ से अंदर लेकर गए हैं। हम इसको लेकर हाईकोर्ट में मूव करेंगे अगर इन्होंने नई धारा, मैं समझता हूँ जो पहली ऐड हो जानी चाहिए थी 376 और 511, क्योंकि उनकी कंप्लेंट के हिसाब से और उनकी स्टेटमेंट के हिसाब से वो सारी इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर अट्रैक्ट कर रहे हैं। 376 के बयान अभी तक 161 में या 164 में आया कुछ? बिल्कुल उन तो कंप्लेंट दे रखा है, अटेम्प्ट टू रेप उन्होंने कंप्लेंट के अंदर मेंशन किया हुआ है, तो उसके अलावा ऐड हो गई 376 धारा। ये मुझे अभी इस बारे में जानकारी नहीं, अगर नहीं हुए तो दीपांशु इस मामले में जो लीगल कार्रवाई है 164 के बयान आज हुए, कितने पेज के बयान हुए? मैं मुझे लगता है कि जो इनकी पहले दिन से स्टेटमेंट रही है वो करीबन 10 से 12 पेज इनके हर बार लगे हैं, जो इन्होंने पूरे इंसिडेंट उनको डिटेल में बताया, तो वो भी केनागी से पूरा क्राइम सीन अलर्ट वो क्रिएट किया जाएगा अब यहाँ। बिल्कुल, इसीलिए आज वो इनको विक्टिम को जो कंप्लेनेंट है उसको आज यहाँ पर लेकर आए हैं और वो अपनी अंदर जो भी, क्योंकि हम पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में कोई भी ऐसी चीज नहीं कर रहे कि कल को पुलिस सरकार के दबाव में अगर कोई इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई 1921 करती है तो पुलिस ये ना कहे कि जो विक्टिम थी कंप्लेनेंट थी उसने इन्वेस्टिगेशन में मदद नहीं की। आप देख सकते हैं कल भी 6 से 7 घंटे, उससे पहले भी 5-6 घंटे, आज भी 164 के बयान माननीय अदालत में कराए हैं, तो हम इन्वेस्टिगेशन में पुलिस की पूरी मदद कर रहे हैं, पर पुलिस अगर उनको अरेस्ट नहीं कर रही तो मैं समझता है कि कहीं ना कहीं संदीप सिंह पर गिरफ्तारी की तलवार लटक सकती है। मैं तो कहता हूँ जी 31 को FIR दर्ज हुई, अगर कोई आम आदमी के ऊपर किसी के ऊपर 354B के अंदर धारा जो संगीन धाराओं में अगर कोई मामला दर्ज होता है बिना किसी देरी के अरेस्ट किया जाता है तो अब तक उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। नहीं आज देखिए हमें माननीय अदालत पर पूरा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट और चंडीगढ़ के अंदर ये मामला चलेगा तो हमें न्यायालय पर विश्वास है। न्यायालय में हमने 164 के बयान कराए हैं और न्यायालय भी इस मामले में संज्ञान लेगा कि जब 376 की धारा जो है वो अट्रैक्ट कर रही है वो क्यों नहीं लगाई गई, और पुलिस भी इस मामले में, मुझे लगता है अभी आपको कोई जानकारी नहीं है कि संदीप सिंह अंदर है या नहीं? नहीं, इस बारे में जानकारी का कोई मतलब ही नहीं है जी, उनको तो अरेस्ट करना है, तो अगर वो अंदर है तो मैं समझता हूँ ये उनकी सरेआम दबंगी है। अगर वो अंदर है, ये तो सरेआम खट्टर साहब ने भी कल कहीं ना कहीं बयान देके ये साफ तौर पे दिखा दे कि हरियाणा सरकार और भारतीय जनता पार्टी उनकी मदद कर रही है। ठीक है, पूरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर किस तरीके से देखते हैं कि पूरी इन्वेस्टिगेशन में अभी तक जो है उनसे किसी भी तरीके से पूछताछ नहीं होती, और आज जब पूछताछ हो रही है तो वो सीधे तौर पर उन्हीं के निवास स्थान पर हो रही है। अगर उनसे ऐसी कोई पूछताछ उनके निवास स्थान पे हो रही है तो ये मैं समझता हूँ कि जो कानून है उसके खिलाफ है, उनको सबसे पहले तो अरेस्ट किया जाना चाहिए, उसके बाद पूछताछ जो है इन्वेस्टिगेशन वहाँ पे होनी चाहिए। अभी यहाँ पे विक्टिम को लाया गया, क्या कुछ वजह थी विक्टिम को यहाँ पर? निशान जो क्राइम ऑफ सीन है उसको लेकर, जो निशानदेही है उसको लेकर आज उनको यहाँ पे लेकर आया गया, और इसके बाद से पुलिस का सारा मामला जो सारा काम है वो होगा। अभी प्रोसेस के किस तरीके से देखते हैं, प्रोसेस जो अभी अभी तक की जो प्रोसेस रही है उसमें क्या कुछ भागीदारी आप देखते हैं चंडीगढ़ पुलिस? देखिए जो उन्होंने कंप्लेंट दी है उसके हिसाब से और जो उन्होंने स्टेटमेंट अब तक दी है उसके हिसाब से 376 और 511 वो दोनों धाराएं इस FIR के अंदर, मैं समझता हूँ मेरी समझ के हिसाब से वो बनती है, और सब लोग पूरा हरियाणा कह रहे हैं कि 376 अब तक क्यों नहीं लगाएगी, और उसके अलावा भी 354 भी खुद में एक नॉन अवेलेबल धारा है, तो अब तक तो अरेस्ट करना चाहिए इन्वेस्टिगेशन और पूछताछ। ये कहीं ना कहीं ये तो फिर ये बात होगी कि एक आम आदमी पे कोई पर्चा होता है वो अलग है और एक जो सत्ता में बैठा उसके ऊपर भी पर्चा। तो चंडीगढ़ पुलिस बायसनेस दिखा रही है, कहीं ना कहीं बायसनेस जो है वो देखने को मिल रही है पुलिस की, जिस तरीके से पुलिस चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से, मैं समझता हूँ कि कल भी जिस प्रकार इन्वेस्टिगेशन की गई है वो इन्वेस्टिगेशन में हमें लग रहा है कि वो सच्चाई के आधार पर चल रहे हैं अब तक। अगर वो उसको सच्चाई से परे जाएंगे तो हमारे पास कानून का रास्ता है, कोर्ट हमारे से दूर नहीं है। आप एक तरफ सच्चाई कह रहे हैं, दूसरी तरफ उनको आप ही आरोप लगा रहे हैं कि उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। गिरफ्तारी काम करना पुलिस का है, हमारी अभी तक जो मेरी जो मुलाकात हुई है वो SIT से हुई है, जो SIT गठित की गई थी चंडीगढ़ पुलिस द्वारा, उसके अंदर जो SIT ने जो बयान लिए हैं कल 7 घंटे लगा के बहुत डिटेल में, हर सेकंड का, हर दिन का, हर मिनट का, और जो भी इनके पास एविडेंसीज है उन्होंने दे दी, अपना मोबाइल फोन तक उन्होंने दे दिया, और अब तो काम पुलिस है, उनको अरेस्ट करे उसके बाद उनसे जो बिल्कुल जो भी लीगल रेमेडी है हम उसको अवेल करेंगे, 376 और 511 हम उसको भी लगवाने के लिए, क्योंकि जो कंप्लेंट है और जो स्टेटमेंट है उसमें क्लियर तौर पे, साफ तौर पे दिख सामने आ रहा है कि 376 और 511 इसके अंदर लगनी चाहिए। अभी तक की कार्रवाई में सैटिस्फाइड है जो पुलिस कर रही है? पुलिस अब तक तो सिर्फ कंप्लेनेंट से ही पूछताछ कर रही है, और लेकिन सबसे पहले पुलिस को जो खेल मंत्री हैं जो अक्यूज इतने टाइम से क्यों रिकॉर्ड कर रहे थे।